रात में लगभग 11 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि शाहबाजपुर गांव में अबुल हुसैन के घर पर दो बक्से में सूचना देने वाला बताया कि 2 करोड़ रुपया रखा गया है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुफस्सिल और FST के मजिस्ट्रेट, इन लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और पर्याप्त फोर्स दे करके रात में लगभग 12:30-1 के बीच में इनको भेजा गया। घर वाले पहले दरवाज़ा खोलने में आनाकानी किए, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खोलने के बाद जो सूचना थी, सूचना के सत्यापन के लिए स्वतंत्र गवाहों के समक्ष पूरे घर की तलाशी ली गई और बक्सा में पैसे रखे होने की सूचना थी तो वो बक्से की तलाश की गई, तो वो पलंग में जहाँ सूचना था वहाँ पर बक्सा मिला और बक्सा को खोलने के बाद उस बक्से में काफ़ी मात्रा में पैसे बरामद हुई। जब उसकी पूरी गिनती हुई तो 43 लाख कुल 98,000 रुपया पकड़ा गया। जिनके पास से पैसा पकड़ा गया है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर किस्म के लोग हैं, उनका ना कोई अपना खदान है और ना कोई ऐसा मनी का अपना रिसोर्स है। उनसे हमारे FST के मजिस्ट्रेट के द्वारा पैसे के सोर्स के बारे में पूछा गया, अभी तक सुबह से लेकर के अभी तक पूछा गया, वो कोई वैध सोर्स अभी तक नहीं बता पाए। तो उन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी चल रही है, इसकी जानकारी जिले के नोडल पदाधिकारी को दिया गया है। ये सारे पैसे जब्त हो गए हैं और इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना चली गई है पर्यवेक्षक के द्वारा, जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनके द्वारा, और वो टीम भी आ रही है। क्योंकि सूचना देने वाले का सूचना यही था कि ये पैसे विधानसभा में चुनाव के एक दिन पूर्व बांटने के लिए रखा गया है, तो अभी ये छानबीन का विषय है कि किस पार्टी से इस आदमी का एफिलिएशन था, ये किनको पैसा बांटना था। ये पूरी जांच चल रही है और पूरी जांच के बाद ही क्लियर होगा, और वैध सोर्स दिखाने के लिए इनको पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि आप उनका पैसा का कोई वैध सोर्स है तो दिखाइए। और पुलिस हर एंगल पे इस पर कार्रवाई कर रही है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की।